एलपी मिश्रा। आइए नजर डालते हैं प्रदेश की बड़ी खबरों पर और सबसे पहली खबर कटनी से। कटनी जिले के बहोरी बन से टिकट नहीं मिलने से नाराज भाजपा की जिला पंचायत सदस्य विद्या पटेल कांग्रेस में शामिल हो गई। विद्या ने कांग्रेस में शामिल होते ही भाजपा पर सनसनीखेज आरोप लगा दिए। कटनी में कमलनाथ की सभा में भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुई जिला पंचायत सदस्य विद्या पटेल ने भाजपा पर सनसनीखेज आरोप लगाए। विद्या ने सार्वजनिक मंच से कहा कि भाजपा औरत और दौलत की पार्टी है, इस पार्टी में भला चाहिए तो अपनी औरत दे दो या दौलत दे दो। विद्या पटेल के इस आरोप के बाद जिले की सियासत गर्मा गई है। जिसको भला चाहना हो तो भाजपा छोड़ो, कांग्रेस अपनाओ। ये पार्टी औरत और दौलत की है, या तो औरत दे दो अपनी या दौलत दे दो। ये दो चीजें जो मैंने नहीं दी तो मैं जहां के तहां हूं। दमोह के हटा में अमित शाह की सभा के दौरान वहां की विधायक को ही मंच पे चढ़ने से रोक दिया गया। इस बात से भाजपा विधायक उमा खटिक खासी नाराज हैं और अब उनके समर्थकों ने भी भाजपा का प्रचार न करने का मन बना लिया है। मान में तानाशाही, तानाशाही। दमोह चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की सभा में हटा विधायक को मंच पर चढ़ने से रोक दिया गया। इसके बाद से ही पार्टी में जमकर कलह का माहौल सामने आ रहा है। हाल ही में सामने आए एक वीडियो में हटा विधायक यह कहती नजर आई थी कि वह 31 दिसंबर तक विधायक हैं। इसके बाद भी उन्हें मंच पर चढ़ने नहीं दिया गया। इस घटना से कार्यकर्ताओं में खासी नाराजगी है और अब पार्टी का प्रचार न करने और पार्टी से इस्तीफा देने की बात कही है। आप बताइए मैडम, मंच पर पहुंचे तो मंच पर हमारा नाम नहीं था, जबकि अभी विधायक का कार्यकाल 31 दिसंबर तक चलना है। आपको मंच पर नहीं जाने का? आरक्षित वर्ग की महिला विधायक का अपमान है। किसको दोषी मानते हैं? किसको माने? पार्टी को मानेंगे हम? ये पार्टी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र बुधनी में जनसंपर्क और प्रचार का जिम्मा उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह ने उठा रखा है। मुख्यमंत्री प्रदेश की दूसरी सीटों पर पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, वहीं साधना सिंह बुधनी में एक मंजे हुए राजनीतिक की तरह घर घर जाकर वोटरों को साधने में जुटी हुई है। कहीं भाभी भाभी, कहीं मामी मामी और कहीं कुछ और रिश्ता। बुधनी में घर घर जाकर शिवराज सिंह के लिए वोट मांग रही साधना सिंह लोगों से व्यक्तिगत संबोधनों के जरिए भी मेन मुलाकात कर रही हैं। कहीं बच्चों को मामा की तरफ से माला पहना रही हैं, तो कहीं बुजुर्गों से उनकी तीर्थ यात्रा के अनुभवों के बारे में बात कर रही हैं। किसी मंझे हुए राजनीतिक की तरह साधना सिंह जनसंपर्क के दौरान लोगों को मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं की याद दिलाने से भी नहीं चूकती। बुधनी साधना सिंह के लिए नया नहीं है, वे पिछले दो चुनावों से यहां जनसंपर्क में तो आती ही रही हैं। वैसे भी कार्यकर्ताओं की बैठकों में या अन्य कार्यक्रमों में सीएम के साथ या अकेले ही उनका आना होता रहता है। पिछली बार शिवराज यहां से रिकॉर्ड वोटों से जीते थे, इस बार और नया रिकॉर्ड बनाने की उम्मीद के साथ साधना सिंह वोटरों को साधने में जुटी हुई हैं। ढोल नगाड़ों और भाजपा के झंडे बैनरों के साथ कार्यकर्ताओं का काफिला उनके साथ गली गली में जा रहा है। कभी किसी नुक्कड़ पर महिलाओं के साथ दो घड़ी गपशप की, तो कभी किसी के दरवाजे पर जाकर युवाओं को भाजपा का चुनाव चिन्ह दिखाकर वोट देने की याद दिलाई। वोटरों की प्रतिक्रिया भी उसी अंदाज में मिल रही है, कहीं टीका लगाकर तो कहीं आत्मीयता से साधना सिंह का स्वागत किया जा रहा है। शिवराज को जिताने के लिए साधना पत्नी धर्म के पालन में जुटी हुई है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, आप तो देख रहे थे कि कितना लोगों में उत्साह था, घर घर लोगों ने आरती की थाली सजाई थी और अपने मतलब मुझे तिलक कर रहे थे कि हम भैया को वोट करेंगे। क्या लगता है कि कितना क्या मिलेगा अपना का? अब इस बार तो बताओ कितना कितने पंधाना विधानसभा के बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे। वहीं खंडवा में उन्होंने देवेंद्र वर्मा के समर्थन में रोड शो एवं आम सभा को संबोधित किया। राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश के पूर्व मंत्री कैलाश विजयवर्गीय शनिवार को हरसूद मंधाता पंधाना विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया। वहीं खंडवा में भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र वर्मा के समर्थन में रोड शो एवं आम सभा को संबोधित भी किया। यहां कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि रावण ने सीता हरण के लिए साधु का वेश धारण किया था, ठीक वैसे ही प्रजातंत्र का सीता हरण करने के लिए राहुल गांधी और उनकी मम्मी सोनिया गांधी मंदिरों की परिक्रमा कर रहे हैं।
अरे भैया, भगवान राम को हमेशा लोगों ने भगवे वस्त्र में देखा, और रावण को हमेशा लंबी लंबी मूछ और हाथ में हथियार और राजा के वेश में देखा। पर रावण ने जब उसकी नीयत खराब हुई तो उसने भगवा वस्त्र धारण किया, साधु के वेश में उसने सीता का वरण किया था। यह रावणी प्रवृत्ति है कि जिंदगी में कभी मंदिर नहीं गए। प्रजातंत्र की सीता हरण करना है तो चंदन लगाओ, भगवा पहनो, ये रावणी प्रवृत्ति है। और इसलिए कांग्रेस के मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप आपके राहुल जी, राहुल बाबा को, राहुल पप्पू जी को कितना भी मंदिर भेजो, देश की जनता जानती है। पर हाँ, मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे भोले भंडारी इतने भोले हैं कि आप किसी भी नियत से जाओ उनके, कम से कम उनमें सद्बुद्धि तो आई जाए। की जगह है यार, ये तो बताओ, लोकसभा में आंख मारने की जगह है, अपने अंगों पर कंट्रोल नहीं हो, कहां पर किस अंग का प्रयोग करना ये उनको पता ही नहीं शायद। तो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं। जालम सिंह पटेल के लिए जनसंपर्क के लिए निकले पूर्व केंद्रीय मंत्री और दमोह सांसद प्रहलाद पटेल ने करेली में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। नरसिंहपुर विधानसभा में अपने छोटे भाई जालम सिंह पटेल के लिए प्रचार करने उतरे पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने करेली में पत्रकारों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ ने न कभी घोषणा पत्र बनाया है और न ही कभी घोषणा पत्र पढ़ा है। उन्होंने बस नरसिंहपुर सहित आसपास के जिलों का पैसा ले जाकर छिंदवाड़ा में विकास का मॉडल बनाया है। जिन्होंने कभी घोषणा पत्र न खुद का बनाया और न दूसरे का पढ़ा, उनको तो अपना घोषणा पत्र याद आता है कि दूसरे का हक कैसे मारे। फिर नरसिंहपुर से आजू बाजू के सभी जिलों का पैसा ले जाकर छिंदवाड़ा में चमका के विकास का मॉडल बनाएंगे तो लूट विकास का मॉडल नहीं होता, ये कमलनाथ जी को मैं कहना चाहता हूँ। दमोह जिले के हटा विधानसभा क्षेत्र में पक्की सड़क न होने से नाराज ग्रामीणों ने विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का निर्णय लिया है। ग्रामीणों ने दीवारों पर मतदान के विरोध में नारे भी लिखे हैं। मध्य प्रदेश में मतदान नजदीक है और भाजपा विकास के एक से एक दावे कर रही है, पर हकीकत कुछ और ही है। हाल ही में दमोह के चंदेना गांव में पक्की सड़क न होने से ग्रामीणों ने मतदान करने से मना कर दिया है। ग्रामीणों ने गांव की दीवारों पर मतदान नहीं करने संबंधित रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लिखते हुए भाजपा के नेताओं को विशेष चेतावनी देकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों की शिकायत है कि हमारे गांव की 7 किलोमीटर सड़क न बनने से हम आज भी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। पढ़ाई करने जाने वाली छात्राएं मजबूरन पैदल स्कूल जाती हैं और बरसात के समय में कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। और देखो पानी की व्यवस्था नहीं है, बस डेढ़ मौसम बारह साल गाँव लोग खिलात पानी से सूख जाना दिया, तो बहुत परेशानी थे, तो कछु नहीं मिल रहा हमारा के, तो सब कछु की परेशानी है, गाँव को कछु व्यवस्था ही नहीं है। लोग आते हैं कहते थे हम रोड डारेंगे रोड डारेंगे, जीत जाते सो बस फिर यहाँ ढूंकने भी नहीं आते हैं। फिर यहाँ हमारा प्रश्न है सब पूरे गांव बस्ती का, अगर वोट है तो रोड है, अगर वोट नहीं है तो कोई वोट नहीं है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर अपने बयान की वजह से मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। इस बार सिद्धू ने छत्तीसगढ़ की महिलाओं पर आपत्तिजनक बयान दिया था, जिस पर अब FIR दर्ज करने की मांग की जा रही है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक नवजोत सिंह सिद्धू ने हाल ही में छत्तीसगढ़ की महिलाओं पर आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसकी खबर न्यूज लाइव MPCG ने दिखाई थी। अब इस खबर का असर दिखना शुरू हो गया है। सिद्धू के बयान पर लोगों ने प्रतिक्रिया देना भी शुरू कर दी है। कोरबा जिला अधिवक्ता संघ के सचिव नितिन ठाकुर ने अपने साथियों के साथ पुलिस से नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू ने चुनाव में वोट के लिए महिलाओं के मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हुए गलत बयान दिया है। छत्तीसगढ़ की महिलाएं बहुत ही स्वाभिमानी और मान मर्यादा वाली हैं, इसलिए नवजोत सिंह सिद्धू पर FIR दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की गई है। कल हमारे कोरबा में विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में जो कांग्रेस की स्टार प्रचारक है नवजोत सिंह सिद्धू, उनकी एक सभा हुई थी घंटाघर ओपन ऑडिटोरियम में। उन्होंने जानबूझ के हमारे छत्तीसगढ़ की महिलाओं को अपमानित करने के उद्देश्य से उन्होंने ये जो बयान दिया कि
छत्तीसगढ़ की 27,000 माँ बेटियाँ मुंबई के बाजारों में बिक रही हैं। अब प्रतिदिन यहाँ के 500 बेटियाँ अगवा हो रही हैं और उनकी वहाँ पे मंडियाँ बोलियाँ लगाई जा रही हैं। इस प्रकार का जो उन्होंने घिनौना और शर्मनाक बयान दिया है, उससे छत्तीसगढ़ की जो महिलाएँ हैं और यहाँ के जो लोग हैं उनको उन्होंने अपमानित करने का पूरा प्रयास किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं स्टार प्रचारक अमित शाह ने धमतरी में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। शाह ने कांग्रेस को झूठे का एटीएम बताया। स्टार प्रचारक अमित शाह शनिवार के दिन धमतरी पहुंचे। यहां उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी रंजना साहू को वोट देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव के वक्त की पार्टी है, चुनाव समाप्त होते ही कांग्रेसी गायब हो जाते हैं, बीजेपी चुनाव हो ना हो लोगों के बीच रहकर उनको उनका हक दिलाती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक ऐसा एटीएम है जिसमें सवाल डालते ही झूठ बाहर आता है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने बीच पाकर भाजपा कार्यकर्ता बहुत खुश नजर आए। जो कांग्रेस पार्टी चुनाव के वक्त की पार्टी, अब किसी भी कांग्रेस वाले को देखना, चुनाव का वक्त आते ही नए कपड़े पहनकर आ जाएंगे, मुंह में झूठे वादे लेकर आ जाएंगे और अलग अलग की बातें लेकर आ जाएंगे, मगर जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ सारे कांग्रेसी गायब हो जाए। छत्तीसगढ़ में 20 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है, इसके लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम कर लिए गए हैं। बिलासपुर में पुलिस और सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च निकालकर जनता को बगैर डर के मतदान करने के लिए प्रेरित किया। दूसरे चरण के मतदान को लेकर छत्तीसगढ़ में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। इसी कड़ी में बिलासपुर के मुख्य मार्गों से पुलिस बल की अलग अलग टुकड़ियों ने फ्लैग मार्च निकाला। असामाजिक तत्व और चुनाव में गड़बड़ी फैलाने वालों के हौसले पस्त करने के लिए लगभग 3,000 से 4,000 पुलिस के जवान एक साथ सड़कों पर निकले। लाव लश्कर के साथ सड़क पर उतरे सुरक्षा बलों ने आम जनता को भी ये बताने की कोशिश की कि लोकतंत्र के इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए वो अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हैं। लिहाजा आम जनता बेझिझक और बिना किसी डर के वोटिंग करे। आपको जानकारी दें कि आगामी 20 तारीख को विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण संपन्न होगा। प्रदेश की 72 सीटों के लिए दूसरे चरण के इस चुनाव को बेहद अहम माना जा रहा है। बात बिलासपुर जिले की करें तो जिले में 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए और पूरे संभाग की बात करें तो कुल 24 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव संपन्न होगा। आगामी दिनों में बूथवार पुलिस की टुकड़ी तैनात कर दी जाएगी ताकि निष्पक्ष और निर्भीक माहौल में चुनावी मतदान प्रक्रिया संपन्न हो सके। नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान किरंदुल से हिरोली सड़क पर जगह जगह गड्ढे खोद दिए थे और पेड़ भी काट दिए थे, जिसके बाद अब ग्रामीणों को 15 किलोमीटर पैदल चलकर किरंदुल अस्पताल जाना पड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक नक्सलियों ने ग्रामीणों को 20 नवंबर तक सड़क को बहाल नहीं करने की भी चेतावनी दी थी। इस फरमान के बाद अब कोई भी रोड में खोदे गए गड्ढों को भरने और काटे गए पेड़ों को हटाने की हिम्मत नहीं कर रहा। सुल्तानगंज से प्रचार करके लौट रहा एक प्रचार वाहन पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 3 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दुर्घटना के बाद लोगों ने जमकर हंगामा भी किया। बताया जा रहा है कि प्रचार वाहन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रामपाल सिंह के चुनाव प्रचार से लौट रहा था। अगर झंडा बैनर भी नहीं लगाए तो जांच करके लोग पूछे तो पुलिस कि इसमें कौन बैठा है, कहाँ के रहने वाले हो, बाहर के लोग हैं घूम रहे हैं। 7979 देवास में अनियंत्रित केले से भरा ट्रक पलटने से वाहन चेकिंग के लिए बनाई गई एसएसटी टीम के 2 सदस्य दब गए और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक पुलिस आरक्षक कमल पारगी और मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल के उपयंत्री कुंवर सिंह डावर की इस दुर्घटना में मौत हुई है। घटना की जानकारी लगते ही देवास कलेक्टर डॉक्टर श्रीकांत पांडे व एसपी अनुराग शर्मा भी मौके पर पहुंचे और क्रेन की मदद से ट्रक को रोड से हटवाया। इस दौरान एक अन्य डंफर भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नेता इंद्रजीत पटेल का भोपाल के एक अस्पताल में निधन हो गया।
पटेल लंबे समय से बीमार चल रहे थे। कांग्रेस और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने इंद्रजीत पटेल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आपको बता दें कि इंद्रजीत पटेल के बेटे कमलेश्वर पटेल सिंहावल विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार हैं। बिलासपुर के सीएमडी चौक पर सड़क निर्माण में लगे एक वाहन ने एक छात्रा को कुचल दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने चालक को पकड़कर जमकर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मामलों को राजनीतिक रंग देते हुए मंत्री अमर अग्रवाल के खिलाफ नारेबाजी की। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, नमस्कार।